Hello students, welcome back to my YouTube channel. सो आर टूडेज टॉपिक इज बायोडिवर्सिटी बच्चे जो बायोडिवर्सिटी का टॉपिक है वो ईवीएस के स्टूडेंट एंड बायो के स्टूडेंट के लिए सिमिलर है ठीक है जो ईवीएस के स्टूडेंट है उनका चैप्टर फर्स्ट है एंड बायो के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी की बुक में चैप्टर सिक्सटीन होगा फॉर प्लस टू क्लास के लिए सो लेट स्टार्ट विद द बायोलॉजी ना वॉट इज बायोलॉज सॉरी बायोडिवर्सिटी बच्चे क्या है जितनी भी हमारे सराउंडिंग लिविंग चीजें होंगी चाहे वो लैंड के ऊपर हैं चाहे वो वाटर में सर्वाइव करें चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो ठीक है एल्गी कुछ भी चीजें हो, जो भी लिविंग चीजें हैं चाहे वो लैंड के ऊपर हो ठीक है चाहे वो वाटर में सर्वाइव करें दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बायोडावर्सिटी सो वॉट इज़ बायडिवर्सिटी बायडिवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैन भी डिफाइंड एज द वास्ट अरेज ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोनिज्म एलगे फंजाई प्लान्स एंड एनिमल्स अक्रिंग ऑन अर्थ आइदर इन द टेस्ट्रियल और एक्वेटिकबिटेट ठीक है वही चीज़ें होंगी चाहे माइक्रोनिज्म हों जैसे बैक्टीरिया वायरसेज हो गया या एल्गी एल्गी मीन आप देख सकते हो जहाँ पर पानी होगा ठीक है वाटर होगा ठीक है नीचे ग्राउंड के ऊपर तो आप देखोगे वहां पर ग्रास लाइक ग्रीन कलर की अपेयरेंस नजर आएगी उसे हम काई बोलते हैं हिंदी में मीन्स एल्गी और फंजाए फंजाए मीन्स उल्ली प्लांट्स एंड एनिमल्स यू नो वेरी वेल ये सारी की सारी चीजें चाहे वो टेरेस्ट्रियल में हो टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड के ऊपर हो चाहे एक्वाटिक मीन्स वाटर के ऊपर हो ठीक है, वाटर में इंक्लूडेड इन बायोडवर्स एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर तो इस पिक्चर में आपके यहाँ देखो सारी की सारी चीजें हैं जैसे एनिमल्स हो ठीक है बटरफ्लाइज हो गए फ्लावर्स हो गए ये ट्रीज बड़े बड़े हो गए ठीक है कितने सारे एनिमल्स हैं ठीक है चाहे वो लैंड के ऊपर हो चाहे वो वाटर के बीच हो ठीक है जैसे वाटर में फिशेस वगैरह होगी या तो सिर्फ फिश नहीं होती कितने सारे ओशियन uh, लाइफ है वहां पर कितने सारे एनिमल्स हैं जो प्लान्टॉन्स हैं फाइटो प्लान्ट जो प्लान मीनस वो वाले जो एनिमल जो वाटर में रहे फाइटो प्लान मीन वो वाले प्लांट जो वाटर में रहे ठीक है तो ऐसे सारी की सारी लिविंग थिंग्स चाहे वो एनिमल्स हो प्लांट्स हो फ्लावर्स हो कुछ भी लिविंग चीजें हो, चाहे वो लैंड के ऊपर हो चाहे वो वाटर में रहे दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बायोडावर्सिटी, सो so, ये जो टर्म है किसने क्वाइन की बायोडावर्सिटी की फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्टर जी रॉजन ने इन 1986 और उसके बाद इस टर्म को किसने दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाया ई ओ विल्सन इन 1994. तो उसके बाद है वैल्यूज ऑफ बायोडावर्सिटी, बेनिफिट्स ऑफ बायोडावर्सिटी वेरी सिंपल एंड ईजी ठीक है इसमें आप ये लिखोगे कि बायोडिवर्सिटी से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं जैसे प्लांट से आपको क्या बेनिफिट्स है फॉरेस्ट से आपको क्या बेनिफिट्स हैं ट्री से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे नेचर से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे एनिमल से आपको क्या बेनिफिट्स है कैन से माइक्रोनिजम्स uh, उससे आपको क्या बेनिफिट्स होंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इकोलॉजिकल वैल्यू दैट इज इन नेचर अब जो बायोडिवर्सिटी है इसका क्या बेनिफिट होगा कैसे ये इकोसिस्टम में बैलेंस करेगा इकोसिस्टम मींस इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन वर्ड्स दैट इज बायोटिक एंड ए बायोटिक बायोटिक मीन्स लिविंग एंड ए बायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ठीक है जी तो इसके बाद इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे जैसे एक पिक्चर शो की हुई है यहां पर फूड चेन की जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में या टेंथ क्लास में जहाँ वी कैन से एथ क्लास में भी शायद आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में कि वट इज फूड चेन अब एक एग्जाम्पल को

फ्रॉक फ्रॉक किसको खाएगा ग्रास ऊपर और ग्रास ओपर किसको खा रहा है ग्रास को इट मीन सबसे पहले कौन सी यह चीज़ हमारे पास ग्रास प्लांट ठीक है ग्रास है ग्रास होगी प्रोड्यूसर्स होंगे क्योंकि ये तो ग्रीन कलर है इसका ठीक है आप आपने पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल सीओ टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ठीक है आपने ये सारा कुछ पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड जैसे इन्होंने एग्जाम्पल ले ली ग्रास की अब ग्रास ने तो अपना फूड खुद बना लिया तो ग्रास को कौन खाएगा ग्रास उपर. ग्रास ऊपर सिर्फ किसको खाता है प्लांट्स को खाता है ग्रास को खाएगा ठीक है तो जो फ्रॉग है फ्रॉग किसको खाएगा ग्रास ओपर को अब आप देखिए अगर इनमें से हम ग्रास को ही रिमूव कर दें इस फूड चेन में से हम इसको एलिमिनेट कर दे बाहर निकाल दें तो आप क्या देखोगे जो बाकी के जो एनिमल्स हैं जो बाकी के इंडिविजुअल्स वी कैन से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि अगर ग्रास नहीं होगी तो बेचारा ग्रास ऊपर कहाँ पर रहेगा उसका क्या फूड होगा क्योंकि ये तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा अगर बेचारा ग्रास ऊपर नहीं होगा तो फ्रॉक किसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका क्या फूड हो सकता है क्योंकि ये सारे के नेक्स्ट वाले जो इंडिविजुअल्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं वी कैन से कि ये सारे के सारे नेक्स्ट अपने पहले के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं इट मींस अगर इनमें से कोई भी एक इंडिविजुअल अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिसअपेयर हो तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम्स इन द इकोसिस्टम। राइट तो उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे जैसे एक तो आपने दे दी फूड चेन की ठीक है अपनी आप लैंग्वेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो या छोटी जो आप बोल सकते हैं कि आपकी जो पहले वाली जो बुक्स है वहाँ पर फूड चेन का दिया वह वैसे ही एक छोटी सी एग्जांपल लेकर एक, एक ऐसा डायग्राम बनाकर लिख सकते हो अगर ये आपको क्वेश्चन सिक्स मार्क में आए तो ठीक है जी तो एक तो हो गया कि ये हमने वाली एनिमल्स की बात कर ली फोर्च की एक बात की उसके अलावा हम एक बात करेंगे इकोलॉजिकल वैल्यू में बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम में एक तो होगा आप एग्जांपल लेंगे ट्रीज की ठीक है तो आप देख सकते हो जो ट्रीज हैं प्लांट्स होंगे हम बोलते हैं ना कि ग्रो मोर प्लांट्स ग्रो मोर ट्रीज वाई बिकॉज ट्रीज से हमें क्या uh, मिलता है कौन सी गैस मिलती है कौन सी गैस आप इनहेल करते हो कौन सी गैस आप ट्री से लेते हो ऑक्सीजन राइट right? तो आप कौन सी गैस इनहेल करते हो ऑक्सीजन कहां से मिल रही है प्लांट से मिल रही है कौन सी गैस को एक्सेल करते हो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो ब्रीदिंग में सीओ टू ठीक है और सीओ टू गैस को कौन लेगा ट्रीज लेंगे प्लांट्स लेंगे इट मीन्स एक बैलेंस चल रहा है ना अगर हम ओ टू ले रहे हैं ठीक है इनहेल कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को कौन सी गैस दे रहे हैं सी टू तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए सबसे बड़ा जो है योगदान वो किसका है ट्रीज़ का प्लांट्स का ठीक है जी तो ये वाला हो गया एक फर्स्ट पॉइंट तो उसके बाद है जेनेटिक वैल्यूज जेनेटिक वैल्यूज मीन इट हेल्प्स टू प्रोडक्शन ऑफ बेटर वराइटीज ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मीन्स की जो जेनेटिक वैल्यू में हम एग्जाम्पल लेंगे कि इसकी हेल्प से बायोडिवर्सिटी की हेल्प से हम और भी अच्छी वराइटी की क्रॉप्स या वी कैन से अच्छे वरायटी के जो डोमे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बट हाउ अब देखो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन से जो हम घर में रखते हैं ना काउस बो फैलो जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं मिल्क मिलता है तो अब देखो कि इन सारी चीजों को चाहे वो क्रॉप हों ठीक है जो फार्मर्स जो है क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल एनिमल्स को रख रहे हैं उसको और भी अच्छा बनाने के लिए और भी अच्छी वरायटी बनाने के लिए वो क्या करेंगे तो जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं ठीक है वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड प्लांट्स होंगे जंगली जो फॉरेस्ट में रहते हैं जंगली जानवर जो भी या जो भी अच्छी वैरायटी के प्लांट्स होंगे या अच्छी ही वैरायटी के जो एनिमल्स होंगे जो वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड प्लांट्स होंगे उनकी बॉडी में से उनका जीन निकाल कर किस में इंट्रोड्यूस करवाएंगे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और क्रॉप्स के ऊपर ठीक है तो डेफिनेटली उनका जीन निकाल कर इन वरायटीज में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में और वो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होंगे तो डेफिनेटली जो उनकी नेक्स्ट वाली वैराइटीज होंगी वो अच्छे प्रोड्यूस होंगे डिसीज रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होंगी राइट तो इसकी हेल्प से हम कितने सारे फायदे ले सकते हैं जैसे प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो राइट right? और एक एग्जांपल लेंगे इसमें जो एशिया है ना एशिया एशिया में जो राइस ग्रो हो रही है दैट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैनी डिसीज Uh, कितनी सारी डिसीजेज हैं जो एशिया में जो राइस ग्रो हो रहा है ना उन डिसीज़ को एलिमिनेट करने के लिए उस uh, राइस को प्रोडक्ट करने के लिए इन डिसीजेज से तो उन्होंने क्या किया जो हमारी इंडिया की वाइल्ड राइस स्पीशीज है ना उनमें से जीन निकाल कर वो एशिया का जो राइस है उसमें अंदर इंट्रोड्यूस करवा कर उसको और भी बेटर बना दिया अच्छी वरायटी बना दी ठीक है दैट इज रिजिस्टेंस टू द मैनी डिसीजेज क्लियर हो गया तो ऐसे ही हम जेनेटिक uh, लेवल पर जो भी प्लांट्स हो जो आ, हम कह सकते कि एनिमल्स हो उसको हम और भी अच्छा बेटर बना सकते हैं उसके बाद इकोनॉमिकल वैल्यूज इकोनॉमिकल वैल्यूज मीन्स यू नो वेरी वेल कि आप देख सकते जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ठीक है, है या उनसे हमें क्या फायदा होगा जैसे हम एग्जाम्पल uh, लेंगे ट्री से ठीक है अब आप अपने दिमाग में सोचो कि ट्री से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है तो एक तो पहले ही हमने क्लियर कर दिया कि ओ टू टू गैस का फंडा वो वाला हो गया लेकिन हमें ट्री से और क्या मिलेगा फूड हो गया जैसे यहाँ पर तो मैंने कुछ मैंशन नहीं किया वैसे बता रही हूँ कि आप पैसे लिख सकते हो फूड आप uh, लेते हो ठीक है जो उसमें जो uh, है वी कैन से वुड ठीक है वुड की हेल्प से हम क्या सकते हैं बिल्डिंग बना सकते हैं फर्नीचर का सामान बना सकते हैं ठीक है उससे हमें वेजिटेबल्स मिलती है फ्रूट्स मिलते हैं तो देखो कितनी सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है ट्रीज ठीक है जी तो इकोनॉमिकल वैल्यू में आप ये वाली चीज लिख देना की इकोनॉमिकल वैल्यू अब देखो ये सारी चीजें लेकर लोग डेफिनेटली सेल करते हैं वुड को लेकर वुड को सेल करेंगे ठीक है जो हम कितने सारे फ्रूट्स ग्रो करते हैं जैसे एप्पल्स हो गया मैंगो हो गया डेफिनेटली तो इकोनॉमिकल वैल्यू में इसका फायदा है ना सारी चीजों को जो जो भी ये सारी चीजें हमें कहां से मिल रही है फॉरेस्ट मिल, मिल रही है या प्लांट से मिल रही है ट्रीज से मिल रही है तो डेफिनेटली इट हेल्प इन द इकोनॉमिकल वैल्यूज तो उसके बाद है साइंटिफिक वैल्यूज साइंटिफिक वैल्यूज में क्या होगा देखो नेक्स्ट साइंटिफिक वैल्यू साइंटिफिक वैल्यू में कितने सारे ही इसके फायदे हैं तो एक छोटी सी एग्जाम्पल ईजी वाली हम लेते हैं तो आप अपने स्कूल में आप तीन लैब्स होती है ना मेन जो साइंस के बच्चों के लिए कौन सी है केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी बायोलॉजी की लैब में आप देख सकते हो कि वहां पर कितने सारे स्पीशीज हैं मतलब स्पेसिमेन है चाहे वो प्लांट्स के हैं एनिमल्स के तो साइंटिफिक वैल्यूज होगी ना तो जो एनिमल्स हम रख रहे हैं अपनी लैब में जो प्लांट्स रख रहे हैं तो उस स्पेसिमेन से हमें क्या नॉलेज मिलेगी जो भी साइंस के बच्चे उसको देखते हैं उसके करेक्टर्स को देखते हैं ठीक है, है? उसके अपेयरेंस को देखते हैं मॉर्फोलॉजी को देखते हैं उसकी हेल्प से हम कितनी सारी जो भी है नॉलेज को गेन करते तो एक तो हो गया ना साइंटिफिक वैल्यू राइट तो उसके बाद तो आप देख सकते हो कि कितनी सारी जो मेडिसिन न्यू न्यू मेडिसिन वगैरह जो बनती है वो टेस्ट की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल किसके ऊपर एनिमल्स के ऊपर तो एक ये हो गया ना कि तो जो एनिमल्स कहाँ पर है बायोडावर्सिटी का पार्ट है ठीक है तो जितनी भी न्यू मेडिसिन बन रही है वो सबसे पहले किसके ऊपर टेस्ट होंगे एनिमल के या वी कैन से जो न्यू सर्जिकल टेक्निक्स है वो भी सबसे पहले किसके ऊपर ट्राई करते हैं एनिमल्स के ऊपर तो ये सारा का सारा कहाँ पर आ गया साइंटिफिक वैल्यू में तो एक एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग लेंगे दैट इज बीटी कॉटन सो हियर इज अ डायग्राम कॉटन कॉटन तो आपने के बारे में पढ़ा है ठीक है कॉटन देखी है घरों पर भी होती है कॉटन के जो ये क्रॉप जो है ठीक है लेकिन जो कॉटन है ना जब ग्रो होती है तो उसके ऊपर एक इंसेक्ट होता है वो इंसेक्ट इस क्रॉप की जो एल्ड है ठीक है पैदावार जो बोलते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है डैमेज कर देता है एक इंसेक्ट है वो इसको डैमेज कर देता है तो प्रॉपर से जो जो है कॉटन की वो ग्रो नहीं हो पाती तो इस चीज से बचने के लिए हमने एक बैक्टीरिया लिया तो बैक्टीरिया भी कौन सा है बेटी बेटी मीन्स बैसिलस थ्रुनजेनेसिस बैसिलस थ्रुनजेनेसिस नेम का एक बैक्टीरिया लिया उसका जीन निकालकर किसमें इंट्रोड्यूस करवाया कॉटन में तो कॉटन जो न्यू बनी वो कौन सी बनी बेटी कॉटन सिंपल आप कॉटन आप देखते हो ना कॉटन होता है कॉटन की जो क्रॉप होती है लेकिन कॉटन से बेटी कॉटन कैसे बना बेटी मीन्स बेटी एक बैक्टीरिया है ठीक है बैक्टीरिया उसका नेम क्या है बैसिलस बेसिल इस बैक्टीरिया की हेल्प से जो इसका जीन है हमने किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया इस क्रॉप के अंदर तो ये जो सिंपल कॉटन है क्या बन गई कॉटन अब अगर जो बीटी कॉटन है जो वाला इंसेक्ट ठीक है जो क्रॉप को डैमेज करता है खराब कर देता है उसकी को बिल्कुल बोलो कि खत्म कर देता है तो उस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया इस बैक्टीरिया का जीन निकालकर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसकी वजह से ये जो कॉटन है कौन सी बन गई बेटी कॉटन अगर वो इंसेक्ट इसको अटैक करने की कोशिश करेगा तो खुद डैमेज हो जाएगा उसके ऊपर इस मतलब मींस इस कॉटन के ऊपर बेटी कॉटन के ऊपर उस इंसेक्ट का कोई भी Uh, फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी उसका uh, हमारी बेटी कॉटन का नुकसान नहीं होगा लॉस नहीं होगा इट मीन जो साइंटिफिक वैल्यू है ठीक है उसकी हेल्प से बच्चे हमने कौन सी बनाई एक बेटी कॉटन तो आप एक इसकी एग्जाम्पल ले सकते हो ये बेटी कॉटन है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया बनाया बैक्टीरिया कौन सा है बेटी बैसलिस हाउ उसका जीन इस कॉटन में इंट्रोड्यूस करवाकर और जो सिंपल कॉटन है वो क्या बन गई बेटी कॉटन जिसके ऊपर इंसेक्ट का कोई भी डैमेज नहीं होगा इस क्रॉप के ऊपर उस इंसेक्ट के लिए तो उसके बाद है मेडिसिनल वैल्यूज आप देखो कितनी सारी मेडिसिन बनती है जड़ी बूटियों से जितने भी प्लांट्स एनिमल्स जो है ठीक है कितने सारे स्पेशली ट्रीज हो गया कितने सारे ट्रीज से हमारे कितनी सारी मेडिसिनल जो है वैल्यूज़ uh, हैं ठीक है जैसे हम एक लेंगे क्यून जो क्यून किससे बनती है एक uh, ट्री से दैट इज इनकोना ठीक है येलो कलर का होता है और क्यून किसके लिए हेल्प करता है मलेरिया मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए उसके बाद पेंसिलिन पेंसिलिन इज अ अल्डेस्ट एंटीबायोटिक और ये कहाँ से मिलेगा पेंसिलियम उसके बाद तुलसी तुलसी तो आप के घर में भी होगी पड़ा भी होगा ठीक है तुलसी की हेल्प से हम कितनी सारी जो डिसीजे है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं रिमूव कर सकते ट्रीटमेंट कर सकते जैसे फीवर हो कफ हो या थ्रॉट गले में जो पेन हो ठीक है तो इसकी हेल्प से हम कितनी सारी चीजों को रिमूव कर सकते हैं कितनी सारी डिसीजेस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और एक चीज नहीं लिखी मैंने यहाँ पर मॉर्फिन मॉर्फिन के बारे में भी आप लिख रहे थे कि मॉर्फिन कहाँ से मिलती है पेपावर सोमनिफेरम में जो पेन के लिए होती है ठीक है पेन को रिमूव करने के लिए उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मॉर्फिन बनती है फ्रॉम पेपावर सोमनिफेरम तो एक तो क्या मेडिसिनल वैल्यूज तो उसके बाद है नेक्स्ट यूजफुल प्रोडक्ट्स यूजफुल प्रोडक्ट्स कौन से आप देखो ट्रेस से हमें क्या मिलती है या एनिमल से हमें क्या मिलता है वूल फर लेदर टी कॉफ़ी वैक्सेस कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो जो भी आपके दिमाग में आए कि प्लांट से हमें ये मिल रहा है ये वाली चीज़ें हम बना सकते हैं या एनिमल के एनिमल uh, की हेल्प से ये वाली चीज़ें बना सकते हैं जैसे वूल हो गया राइट जैसे जैकेट्स वगैरह बनती हैं फर वग़ैरह हो गया वो वाली चीज़ें उसके बाद है कल्चरल वैल्यूज़ सो इन केस ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ बच्चे आप देखते हो कि आ, कितने सारे जो लोग हैं इंडिविजुअल्स हैं वो कितने सारे ट्रीज़ की वर्शिप करते पूजा वगैरह करते जैसे बनियन ट्री हो गया पीपल हो गया तुलसी हो गया ठीक है तो ये कहाँ पर आएगा कल्चरल वैल्यूज़ उसके अलावा जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्पायर द पॉइट्स एंड आर्टिस्ट टू कम्पोज पोइम्स एंड सॉन्ग्स एंड टू मेक पेंटिंग एटसेट्रा के चित्र कुछ लोग ऐसे होते जो आप आप बोलो कि आर्टिस्ट होते हैं ठीक है थीका? या पोइम्स वह लिखते हैं वो सब, सबसे पहले किसको देते फोकस किसके ऊपर करते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर फॉरेस्ट के ऊपर या ओशियन लाइफ जहां पर ग्रीनरी हो तो इन सभी चीजों को देख वो नई नई पेंटिंग्स बनाते हैं या इन सभी चीजों को देख वो नई नई पोइम्स लिखते हैं तो इसमें इसमें किसका फायदा हो गया कल्चरल वैल्यू में तो उसके बाद है एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज तो इसमें क्या हो बाइडवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी जॉय प्लेचर लार्ज नंबर ऑफ नेचर अब देखो जितनी भी जो बायोडिवर्सिटी है बायोडिवर्सिटी में आप देखो कितने सारे अच्छे अच्छे ब्यूटिफुल फ्लावर्स है ट्रीज है कितने सारे ब्यूटिफुल ऐसी प्लेसिस हैं जहाँ पर हम कितने सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं गार्डन हो गया जोलॉजिकल पार्क हो गई है ठीक है वी कैन सेयर मैंशन जो नेशनल पार्कस होंगे या सेंचुरीज होंगी ठीक है जिसमें हम प्लांट्स को एनिमल को प्रिजर्व करते हैं ठीक है आर्टिफिशियल वे में तो डेफिनेटली किसके ऊपर इसका फायदा होगा टूरिज्म में कितने सारे जो इंडिविजुअल्स हैं चाहे वो फॉरेन कंट्री से हो जहाँ पर जो बोलो इंडिजीनियस स्पीशीज हो वो क्या करेंगी इन सभी चीज़ों को देखने के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाएंगी अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए अच्छे अच्छे प्लांट्स देखने के लिए अच्छे अच्छे एनिमल्स देखने के लिए ठीक है तो ये क्या है कि एक अच्छा वे है टूरिज्म का राइट right. तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं यहाँ पर एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज में कि इसमें कितने सारे ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं ग्रेसफुल बीस्ट होती है सॉन्ग बर्ड्स होते हैं कलरफुल फिशेस होती हैं, बर्ड्स होते हैं है, या वी कैन से बटरफ्लाइज राइट तो इसकी हेल्प से जो जितने भी स्पेशली uh, हम बोल सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं ठीक है तो एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ जो स्कूल हैं कॉलेजेस हैं इंस्टीट्यूट हैं सबसे जो ज्यादा जो साइंस के बच्चे हैं उनको ये वाली चीजें विजिट करवाने के लिए लेकर जाते हैं चाहे वो बॉटनी से रिलेटेड हो चाहे वो जोलॉजी से रिलेटेड हो चाहे वो वही हो गया प्लांट्स हो या एनिमल्स हो राइट सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बाइडवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट तो आप ऐसे ही एक दो बार ये आप देख सकते हो लेक्चर और अपनी वर्डिंग में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जरूरी नहीं है कि रट्टाफिकेशन करना में से ये पढ़ो वो पढ़ो तो आप एक हैडिंग जो भी मैंने यहाँ पर मैंशन किया है वो वाली हैडिंग जो भी है लर्न करना और उसको अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर देना तो कुछ की जो मैंने पिक्चर्स uh, भी अवेलेबल है बेटी कॉटन वगैरह हो गया ठीक है तो आपको ईजी रहेगा सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक थैंक यू